और पाकिस्तान में अब यही हाल आने वाला है कि जो गधे हैं उसी के ऊपर सब लोग इधर से उधर जाया करेंगे। फिलहाल ये गधे को कहीं ले जा रहे थे, मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा दूं, क्या पता आप लोग को भी कोई आइडिया आ जाए कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। चाय बेचने वाला हमसे कहते थे, लेकिन चाय बेचने वाले ने मुल्क को जो है अपने वो दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बना दी एक चाय बेचने वाले ने। और यहाँ पर ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और वो जिनका मुझे पता नहीं कितने बड़े बड़े नाम है यूनिवर्सिटीज के, वहाँ से पढ़कर आने वालों ने मुल्क को जो है वो सबको जो है चाय पीने के काबिल नहीं छोड़ा हुआ। अबे हमें तो वो लोग ये कहते हैं ये तो फकीर है, हमारा मुल्क खजाने में क्यों जा रहा है, इनकी वजह से जा रहा है। ये अगर पैसा गरीबों पर लगाए, मिलों में लगाए, लग पता जाए इनको, ये बैठे हुए कुर्सियों में बैठ गए तकरीरें करने जानते हैं। बुनियादी तौर पे मैं नहीं समझता कि अगर इंडिया की ह्यूमैनिटेरियन एक मूव है, वो एक ह्यूमैनिटेरियन या ह्यूमनिस्ट बेसिस पे वो किसी की हेल्प कर रहा है, तो हम उसको एकदम जाके मसला है कश्मीर से भी जोड़ दें और तैयब अर्दगान को भी विन करने से जोड़ दें। मैं समझता हूँ कि ये जो है ना एंगल, ये पहले ही पाकिस्तान को ले डूबा है और मजीद ले डूबेगा। बात तो सही है। आप इंडिया की तारीफ कर रही हैं और आप इंडिया का पॉजिटिव इमेज दिखा रही हैं ना, तो एटलीस्ट लोगों को, उन लोगों को आपके चैनल पर आकर इस तरह के कमेंट नहीं करने चाहिए कि पाकिस्तानी जिहादी हैं और ये लोग टेररिस्ट हैं। और आप कसम से, मेरे ना ख्याल कि आप कमेंट पढ़ती होंगी, मैं पढ़ती थी इसलिए मैंने छोड़ दिया। सब क्या देखना पड़ रहा है। IMF के साथ बिल्कुल बातचीत दोबारा शुरू हो गई है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट की भी और पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट की भी, और जो लोग भी जिम्मेदार हैं या जिन लोगों की भी ड्यूटी लगी है वो IMF के दोबारा से उनके कान खाना शुरू कर दिए उन्होंने, पैसे दे दो, पैसे दे दो, पैसे दे दो। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती, वैसे तो हम बड़े मुसलमान बनते हैं और हम कहते हैं कि नहीं जी ये भी काफिर और वो भी काफिर और इसके साथ बैठना नहीं और उसके साथ बात नहीं करना और ये वो, तो फिर हम इस्लामिक कंट्री से पैसे क्यों नहीं मांगते। ये हम आखिर ये जो IMF वाले हैं ये भी तो काफिर ही है ना, इनके पास भी तो डॉलर है, ये कौन सी कोई इस्लामिक कंट्री है जो हम उनके पास जा जाकर और उन्हें अपने यहाँ बुला बुला कर पैसे मांग रहे हैं। लेकिन खैर, इस किस्म की चीजों में, जैसा मैंने पहले भी कहा कि पाकिस्तान में हर चीज में रिलीजन लाते हैं लेकिन पैसे में नहीं लाते, इसलिए पैसा हम किसी का भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। इस वक्त तुर्की के जो लोग हैं वो इंडिया का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, अपने घरों पर इंडिया का झंडा, इंडिया का तिरंगा लहरा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? बड़ी अच्छी बात है जी, देखें जो मुश्किल में काम आता है उसको मानना भी चाहिए, तस्लीम करना चाहिए। और वो कहते हैं ना हमारे पंजाबी में एक मसाल है कि जिन्हें घर दाने होना कमले भी सियाने, तो जिनके पास पैसे होते हैं उन्हीं का बोल भाला होता है। हमने भी मदद की है लेकिन $10 अरब बस, मतलब इतनी ज़्यादा मदद कर दी है, तुर्की का 4 साल का कर्जा भी उतर जाएगा साथ साथ ही। लेकिन सामा हो हम देखें, अगर तो ऐसी बात नहीं है, हमारे जो हालात हैं हर बंदे के सामने है, हमारे हुक्मरानों ने जो है हमारे मुल्क का जो हाल किया हुआ है ये बिल्कुल, तुर्की में जलजले आए हैं लेकिन हमारे इधर हुक्मरान आए हैं। यहाँ नवाज शरीफ आया, यहाँ जरदारी आया, यहाँ इमरान खान आया, उन्होंने इसका हाल जो है तुर्की से बदतर कर दिया, शाम से लीबिया से बदतर कर दिया है। तो ऐसे हालात में अगर $10 अरब दिए तो ठीक है, लेकिन अच्छी बात है अगर तुर्की उसको मान रहा है, क्योंकि जो एहसान करे उसको मानना भी चाहिए, ऐसी बात नहीं है कि जो एहसान करे उसके खिलाफ ही शरंगेजी करनी चाहिए। तो इंडिया की किस्मत अच्छी है कि उसकी IT अच्छी चल रही है, वहाँ के नौजवान पढ़ रहे हैं, वहाँ के हुक्मरान जो हैं उनके साथ ज़्यादा सिंसियर हैं, वहाँ के जनरल जो हैं फैसले नहीं करते, करप्शन वालों को करप्ट समझते हैं। हमारे इधर तो जनरल बाजवा साहब ने करप्शन को करप्शन समझा ही नहीं कभी। चलिए, तुर्की की आवाम घरों से बाहर निकलकर इंडिया का झंडा लहरा रही है, इंडिया की आर्मी के लिए थैंक यू कह रही है, इंडिया के पॉलिटिशियन के लिए थैंक यू कह रही है, क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने कहा है, तुर्की की आवाम कह रही है कि इस टाइम सबसे ज़्यादा जो हमारी मदद की है वो इंडिया ने की है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सामने देखिएगा। वैसे मैं तो ये कहता हूँ कि हमें, तुर्की एक मुस्लिम कंट्री है, हम सबको मेरे समेत हमें उसका साथ देना चाहिए। अगर वो इंडिया की बात कर रही है, डेफिनेटली इंडिया ने कुछ ना कुछ उनके लिए किया होगा, लेकिन तुर्की ने भी हमारे पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया है। अब उन मुसलमान बहन भाइयों को हमारी ज़रूरत है, हम लोग हेल्प नहीं करेगा तो कौन करेंगे? सर हम कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से करनी चाहिए उस तरीके से कर नहीं रहे, क्योंकि हम लोगों को खुद बाउंड कर दिया गया है, एक ही चीज़ के पीछे लगा दिया गया कि आप इसी के पीछे लगे रहे, आटा दाल चावल इसी के पीछे लगे रहे, इसके अलावा हम लोग कुछ सोच ही नहीं पा रहे कि हमारे साथ हो क्या रहा है। जब हमारे अपने ऊपर बीतेगी फिर हम लोग सोचेंगे कि यार वाकई वो लोग ठीक थे, उनके साथ जो हो रहा था हमें उनका करना चाहिए था।